एक मिनट फोन चल ले छोड़ो थोड़ा पीछे अरे जा रहा है सारा हो गया भाई सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाइए सभी तो मैं क्या कहेंगे क्या समझेंगे आज सबसे पहले तो मैं सभी प्रिंट मीडिया और सभी जो भी पत्रकार भाई आए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये है, एतवार को रविवार के दिन एक प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन है। यह सम्मेलन हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की जो प्रदेश स्तरीय इकाई और जो जींद इकाई है और जो सबिदो इकाई है सब मिलकर एक हरियाणा का प्रदेश क्षेत्रीय सम्मेलन करेंगे। उस सम्मेलन में हमारे एजेंडे ये रहेंगे, सबसे पहले एजेंडा तो हमारा कानून व्यवस्था को लेकर है। आप देख रहे होंगे चाहे जींद हो चाहे सपिदो हो, आपने देखा भी होगा अपना क्रम। पिछले दिनों 26 अक्टूबर को एक हमारा व्यापारी भाई है जींद में, क्लास का लड़का नितिन जी, उस पर फिरौती मांगी गई। फिरौती भी एक फिल्मी स्टाइल के द्वारा, जो स्टाइल होता है फिल्मी, ऐसे ही मांगी गई। मंडी में उनकी एक दुकान थी बदमाशों की और काफ़ी बड़े बदमाश थे और एक दुकान उन्होंने अपना अड्डा मंडी में बना रखा था। उस दुकान पे बुलाकर बंदूक के साए में दर्जनों बदमाशों ने उसको डरा के उसको दमका के ज़बरदस्ती फिरौती मंगाई गई और तुरंत परिवार को ये कह दिया या तो 25 लाख रुपए दे दो नहीं इस लड़के को हम जान से मारेंगे। उसने बह में आके 10 लाख रुपए घर से दे दिए। उनमें दो बदमाश वहाँ बैठ के भी गए मोटरसाइकिल में जो पैसे लाए। तो देख आप देख रहे होंगे प्रेस मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हर रोज़ फिरौती के मामले आते हैं। चाहे हिसार की बात ले लो, एक व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी गई, चाहे आप तेवा में 50 लाख की फिरौती मांगी गई। 50 लाख की फिरौती कल्यात का एक हमारा जनरल स्टोर का व्यापारी था उससे मांगी। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि कानून व्यवस्था तंदुरुस्त होनी चाहिए। पूरे प्रदेश का व्यापारी भय के मोल में, आपने देखा होगा पिछले दिनों लगभग एक महीना हो गया, एक हमारा सीमेंट का व्यापारी था उसको सरेआम सुबह 10 बजे सरेआम उसको मार दिया गया और बेखौफ होकर बदमाश निकल गए। ना उनको पुलिस का खौफ है ना कोई सरकार का खौफ है। तो हमारा यही उद्देश्य है जो हमारा सम्मेलन होने जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कानून व्यवस्था को लेकर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल आए थे, श्याम सुंदर बंसल की जिसकी हत्या हुई उनके घर उनके निवास स्थान पर आए थे। वहाँ भी व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मिला था और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने यह कहा था मुख्यमंत्री जी व्यापारी बै के मोल में है, दहशत के मोल में है, हर रोज़ फिरौती और अपहरण की घटनाएं घट रही हैं, जो लोग फिरौती देने में नाकाम हो जाते हैं उनकी हत्या की जाती है, आप व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान कराएं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। हमारे राकेश आर्य जी जो हमारे डीआईजी हैं, आईजी हैं, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से कार्य करके भी दिखाया। जो फिरौती के मामले में कम से कम 8 लोग थे जिसमें चाहे मुकेश गिरी हो, वजीर हो और अन्य जो भी बड़े आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, आज वह सलाखों के पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस कोई काम नहीं करती, पुलिस काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे हरियाणा सरकार की कमजोरी रह जाती है। उनको हरियाणा सरकार अगर प्रमुखता से जैसे यूपी सरकार योगी साहब ने किया है, बदमाशों को वहाँ पनपने दिया, वहाँ बड़े बड़े बदमाश चाहे कितने बड़ा बदमाश हो, चाहे विधायक रहा हो चाहे मंत्री रहा हो, जिस तरह योगी सरकार ने लपेटा लगाया है उसी तरह पर मनोहरलाल खट्टर ने यहाँ बदमाशों का इलाज करना पड़ेगा। जब तक बदमाशों का इलाज नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में अमन शांति नहीं रह सकती। व्यापारी खाली सुरक्षा ही तो मांगता है, व्यापारी कोई रोजगार नहीं मांगता। व्यापारी बार बार एक ही बात कहता है हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। आज भय का इतना मोल है, अपनी दुकान से चाहे किराने का व्यापारी हो चाहे कपड़े का व्यापारी हो चाहे सोने का व्यापारी हो, जब वो घर को जाता है उसको खतरा रहता है घर तक जब तक नहीं पहुंचता, बच्चे उसकी चिंता में
बार बार पापा घर कब आओगे, इतनी चिंता परिवार को होती है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कोने कोने पे, हरियाणा का कोई भी कोना हो, चाहे जीटी रोड हो, चाहे हिसार की तरफ हो, चाहे कैथल की तरफ हो, हर रोज घटनाएं हम सुनने में आते हैं अखबार के माध्यम से। आज इस पर फिरौती मांगी गई, आज इस पर फिरौती मांगी गई। सरकार इसमें गूंगी भरी क्यों बन रही है? मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कल, मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये व्यापारी आपका बैंक वोट है, हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, व्यापारी पूरा टैक्स इकट्ठा करके सरकार को चलाने का काम करता है। आज कोई भी मंत्री लालबत्ती गाड़ी में चलता है वो व्यापारियों की देन है। आज कोई भी अफसर अधिकारी अगर अपनी कुर्सी पर विराजमान है और वो तनख्वाह ले रहा है वो व्यापारियों के देन है। व्यापारी साधन संपन्न है, सरकार को चलाता है, और आज यही दुखी है, यही ताश है, ये निराश है, ये होना नहीं चाहिए। हमें इसमें कोई गुरेज नहीं, मैं एक बात तो मानता हूँ, हमने कोई ऐसी मंशा नहीं भाई हम सरकार की विरोध की बात करें। हमने तो सुरक्षा चाहिए, अगर ये सरकार सुरक्षा चाहती है तो व्यापारी सरकार का पूरा मान सम्मान करेगा। हमने आज व्यापार आप देख रहे होंगे, जीएसटी के मामले भी आपने देखा होगा, जीएसटी कपड़े में 5% होती थी, अभी नया गजट आया है जनवरी में 12% जीएसटी लागू होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी एक बात कहते थे, हम जीएसटी में सरलीकरण करेंगे, हम दर घटाएंगे, इनको 5 पे ले आएंगे जो 28% जीएसटी है, लेकिन दोबारा फिर एक कोशिश जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को बर्बाद करने की कोशिश, व्यापार को ख़त्म करने की कोशिश दोबारा केंद्र सरकार भी कर रही है। आप ये बताएं, अगर जीएसटी अगर आपने ईमानदारी से 2% हो हर ट्रेड में, कोई भी चोरी नहीं हो सकती। ये अफसर जो दिशा निर्देश देते हैं सरकार को, ये सिर्फ अपनी जेब भरने के कारण गुमराह करते हैं सरकार को। मैं मांग करता हूँ अगर ये जीएसटी 2% पे ले आए, पहली परचेज जहाँ भी होती है चाहे मैन्युफैक्चरिंग की होती है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा जैसे पहली परचेज जो मैन्युफैक्चरिंग से होती है वहाँ भी 2% लग जाए, जो भी दुकानदार रिटेल में बेचता है वहाँ भी 2% लग जाए। अगर इसकी रेस से देखो ना, पूरे खजाने भर जाएंगे, कहीं भी कोई टैक्स की चोरी नहीं होगी। जितनी आप दर बढ़ाओगे, चाहे 28% की हो, 18% की हो, उसमें चोरी का कोई अनुमान नहीं है, ना सरकार के पास टैक्स जाने की कोई गुंजाइश है। वहाँ तो चोरी का एक रास्ता अफसर खोल देते हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है विशेषकर, इनकी दर घटाएं और व्यापार को पूरी आप रियायत दें और नए नए पूंजी निवेश कराएं, ताकि जैसे हरियाणा सरकार से भी मेरी मांग है, मनोहर लाल खट्टर से, जैसे एक कड़ी चली थी पूंजी निवेश की वो हरियाणा में रुकी पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण तो कानून व्यवस्था खराब होने का कारण है। अब नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए उद्योगपति आज हरियाणा में नहीं आ रहे, क्योंकि पहले लोग यूपी में नहीं जाते थे, वहाँ भी अपनी जान माल का खतरा था, आज हरियाणा में व्यापारियों को जान माल का खतरा है, इसलिए उद्योग का बढ़ावा नहीं हो रहा, ना कोई फैक्ट्री कोई लग रही कोई बड़ी बड़ी। मेरी मुख्यमंत्री से पुनः मांग है कि आप व्यापारियों की भी सोचें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ किसानों का, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। ये 3 जो कृषि काले कानून थे उनमें किसानों की जीत हुई है। किसानों की जीत का कारण यही है, उनकी एकता। पार्टियों का सहयोग तो मिला मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी व्यापारियों से भी निवेदन है, आप भी जाग जाओ। अगर आपने जीतना है, आपने अपनी मांगों जो मांगे कानून व्यवस्था की, इसमें एकजुट होना पड़ेगा। आज हम इस उद्देश्य को लेकर आए, और मेरा सपितों के व्यापारियों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर एकजुटता दिखाएं। आप जब तक एक नहीं होगी, आपकी सरकार कोई बात आपकी नहीं सुनेगी। अगर आप संख्या में जुटेंगे, कोई भी एजिटेशन करेंगे ईमानदारी से, कोई भी आंदोलन करेंगे, सरकार झुक जाती है, क्योंकि पब्लिक एक ऐसी शक्ति है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, जो भी ईमानदारी से आंदोलन करेगा, एक उद्देश्य से एक टारगेट बना के आंदोलन करेगा, उसकी जीत आवश्यक होगी। तो मेरा व्यापारियों से निवेदन है, हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है विजय जी, और इनकी कार्यशैली को देख के हमने इनको सपीतो इकाई का प्रधान बनाया, और हमारे बीच में हमारे जो प्रदेश से सेक्रेटरी हैं सुरेश गर्ग जी हमारे बीच में विराजमान हैं, और मेरे साथ हमारे साथी हमारे रोहताज जी, राजेश जी और भी साथी, और हमारे सपीतों से भी काफ़ी साथी बैठे हैं। तो
तो मैं सभी पत्रकार भाइयों से निमंत्रण भी दूंगा, आप सम्मेलन में जो भी हमारे विचार व्यक्त होंगे, जो भी आवाज़ बुलंद व्यापारी करेंगे, उसको प्रमुखता से आपने हरियाणा में उठाना है। क्योंकि आप देख रहे हो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जितने बदमाश पनपेंगे आज तो व्यापारी को तंग करने लग रहे हैं। अगर मीडिया में आप इनकी खबरों छापोगे, कल आपको तंग करेंगे, फिर पुलिस प्रशासन को तंग करेंगे। आपने देखा हो यूपी में केशव दुबे का आपने घटनाक्रम देखा होगा, उन्होंने पुलिस के कर्मचारियों को सरेआम गोलियों से मारा। तो ये बदमाश अगर इनको हवा मिलती रही, इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये ना नेता को बख्शने वाले, ना व्यापारी को बख्शने वाले, ना पत्रकार को बख्शने वाले। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप अहम हिस्सा हैं। प्रदेश में अगर सरकार का 4 सितंबर होते हैं तो सरकार को जगाने की बात, उसमें प्रेस का सबसे पहले नंबर आता है। आप भी इस बात को जगाएं। और किसी भाई का कोई प्रश्न है, कोई पत्रकार साथी का, चाहे प्रिंट मीडिया का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अभी आपने कहा कि वो पहले यूपी में डर लगता था, आज हरियाणा में लगता है, क्या यूपी की सरकार की तुलना में हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था बनाने में विफल रही है? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं तो बार बार मुख्यमंत्री से भी बात कही थी, यूपी की तरह से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर नेता लोग बदमाशों का संरक्षण करेंगे तो इलाज नहीं हो सकता। पुलिस बार बार एक ही बात कहती है, हमारे जींद में एक इनकाउंटर हुआ था, एक पुलिस के कर्मचारी को मारा गया था, शायद वो पीलीखेड़े की बात हो या उधर की बात हो। तो जब उन्होंने छापा मारा, हमारे बटना नगर में वो बदमाश पकड़ा गया था, उसका इनकाउंटर कर दिया। अगर पुलिस पे कर्मचारी पे कोई बात आती है तो पुलिस इस बात को नहीं देखती भी कानून के दायरे में हमें चलना चाहिए। लेकिन व्यापारी पे कोई बात आती है जो कानून के दायरे की बात करती है, जो बदमाश जो 4-4 घटनाओं में शामिल हैं, जिन्होंने 302 लगी हुई है, वो खुलेआम क्यों घूमते हैं? जेल से उनका सारा सिलसिला जेल से फिरौती का चलता है। ये सरकार की भी इसमें बदनामी है, और चाहे पुलिस की है उसमें बदनामी है। पुलिस ने सख्ती से काम लेना चाहिए। कल सीएम ने जींद में दिलासा दिया, भरोसा दिया कि आगे व्यापारी के साथ कोई घटना नहीं होगी, क्या इस सम्मेलन में और किसी तरह की रूपरेखा तैयार की? हमारी रूपरेखा ये है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, फिरौती और ये अत्यायी घटना रुकने वाली नहीं है। जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, सरकार एक संकल्प नहीं लेगी, पुलिस प्रशासन संकल्प नहीं लेगा, तो ये मुझे लगता है ये जो मामले हैं हत्या के, फिरौती के, अपहरण के, ये नहीं घटेंगे। इसमें सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। मैं बार बार यूपी का नाम क्यों ले रहा हूँ? यूपी में जो योगी ने करके दिखाया, वो एक झलक भी अगर हरियाणा सरकार दिखा दे तो बदमाश नाम की कोई पूरे हरियाणा में चीज़ नहीं रहेगी। क्या बदमाशों को सह दी जा रही है सरकार के द्वारा? नहीं, सह तो मैं नहीं मानता। मुख्यमंत्री ने कल हमारे बीच में आके ये कहा है, जो ये हत्या का घटनाक्रम हुआ है इसमें डेली मेरे को फीडबैक मिलना चाहिए और बदमाश सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये बातों से काम नहीं चलता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमारा जो व्यापारी का मैंने खून देखा, भावनात्मक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जब वहाँ संबोधन कर रहे थे धरने पर, तो उनके भी आंसू टपक रहे थे। मैं व्यापारियों को जगाना चाहता हूँ, जब आप राकेश डिकैत के उस पर धरने पे आंसू टपके थे, पूरा किसान, पूरा हिंदुस्तान का किसान वहाँ पहुँच गया, तो मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी सुरक्षा के लिए, आपका नेता आंसू टपक रहे हैं, आपने भी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आज अपनी जान माल की बात है, जब हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं होगी, जब हमारे व्यापार चलेगी नहीं, हमारे व्यापार बह के साए में होंगे, अगर ये लोग बदमाश लोग ये तय करेंगे भाई ये दुकान खुली रहेगी ये बंद रहेगी, तो आप पत्रकार मुद्दे बैठे हैं तो माहौल ख़राब हो जाएगा। और आने वाला समय, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बदमाश इतना हाईवे हो गया है, बदमाश जिसकी चाहेगी दुकान खुलाएगा, जिसकी चाहेगी बंद कराएगा। ये बदमाशों से हरियाणा चलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी ना, तो पुलिस भी हाथ खड़े कर देगी, अगर सरकार हाथ खड़े करेगी तो व्यापारी की कोई सुरक्षा हरियाणा में नहीं। सम्मेलन में कितनी भीड़ जुड़ने का अनुमान लगा देते? देखो, मैं हमने कोशिश की है, हमारे विजय जी ने काफ़ी कोशिश की है, निमंत्रण भी दिए हैं, तो हमारे मुझे अंदेशा है भी 400-500 लोग
हमारे प्रतिनिधि पहुंचेंगे, हरियाणा से भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे, तो संख्या अच्छी होगी और अच्छा संदेश जाएगा इस सम्मेलन का, सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद सोई है उसको जगाने का काम हम करेंगे। लगातार सरकार के उसमें रहते हैं कि व्यापारियों के हित के लिए बात करते हैं, डेलीगेट बनके बात भी करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो गर्ग साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 20 साल से ये हरियाणा में संगठन बना हुआ है, चाहे किसी की सरकार रही, गर्ग साहब ने बड़ी प्रमुखता से मुद्दे उठाए, चाहे आपने देखा होगा चौटाला सरकार ने वेट लगाया था, वहाँ हमने पूरे हरियाणा में एक अभियान चलाया था भी, आप ये अड़ती फार्म भी चौटाला साहब ने लगाया था, तो अड़ती फार्म का ऐसा फार्म था जो व्यापारी को गले की फांस थी, तो उड़ा साहब का करे कल आया, करक साहब ने इकट्ठे लोगों को किया, अड़ती फार्म भी वापस हुआ, वेट भी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें आई, करक साहब ने काफ़ी संघर्ष किया, व्यापार मंडल ने काफ़ी संघर्ष किया, हमारे नेता किसी पार्टी से जुड़े या कांग्रेस से जुड़े या बीजेपी से जुड़े, इससे हमारी कोई आपत्ति नहीं। मैं मंच पे पहले भी कहा था, ना हमारा किसी पार्टी से एक मंच से सरकार का विरोध करने की कोई मंशा नहीं, हमारा हक बनता है, हमने सरकार को बनाया है, व्यापारी सरकार का बैंक बोर्ड था, हमने सरकार को चुना है और हमारा हक भी बनता है, हम सरकार से मांगे, हम कोई रोजगार नहीं मारे सरकार से, हम सिर्फ व्यापारी की जान माल की सुरक्षा मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है, और मुख्यमंत्री का भी एक कर्तव्य और फर्ज बनता है व्यापारी की जान माल की सुरक्षा हो। कानून व्यवस्था के अलावा कानून व्यवस्था को ले तो बात है ही है, एक हमारा व्यापार में भी बंदी का दौर चला हुआ, जैसे पिछले दिनों हमारे कोरोना की जो मार पड़ी व्यापारी मजदूर पे काफ़ी पड़ी है और छोटे छोटे उद्योग पर काफ़ी पड़ी, काफ़ी कम से कम 3-3 महीने हमारे व्यापार बंद रहे। हमारी एक डिमांड थी, हमने ज्ञापन भी दिए, गवर्नर को भी ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए और लोकल प्रशासन को भी ज्ञापन दिए, हमारी एक डिमांड थी 3 महीने जो हमारा व्यापार बंद रहा, उसमें हमारी पहली डिमांड थी भाई कम से कम कमर्शियल हाउस टैक्स माफ़ हो, दूसरी हमारी डिमांड थी भाई हमारे बिजली के कमर्शियल बिल माफ़ हों, तीसरी हमारी डिमांड थी भाई हम बैंक से लोन लेते हैं या उनके ब्याज की कम से कम 1 साल की छूट होनी चाहिए, तो सरकार से हमारी डिमांड थी, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात सुनी नहीं, तो यूपी में मुद्दा उठाया, काफ़ी मुद्दा उठाया यूपी में, यूपी में ये कहा गया कोरोना के समय जो मार व्यापारी पे पड़ी है, चाहे मंदी की, छोटे छोटे दुकानदार का कम से कम 1 लाख का नुकसान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें 10-15 लाख का नुकसान है, सरकार का भी उसमें धर्म बनता था, फर्ज बनता था, जैसे दूसरे वर्गों को, किसान वर्ग को हो चाहे मजदूर वर्ग को, सरकार खुले दिल से उनका सहयोग कर रही है, लेकिन व्यापारियों का सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही, व्यापारी मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ व्यापारियों का भी सहयोग करना चाहिए, कोरोना में जो नुकसान हुआ नुकसान की भरपाई के लिए, चाहे बिजली के बिल माफ़ हों, चाहे हाउस टैक्स के माफ़ हों, चाहे और भी राहत व्यापारियों को दे, तो सरकार का फर्ज बनता है देनी चाहिए। अगर सरकार ने जो ये मांगे नहीं मानती है तो व्यापार मंडल क्या? व्यापार मंडल तो हमेशा मैं बता रहा हूँ 20 साल से एजिटेशन करने लग रहा है, व्यापारियों को जगाने का काम करता है, व्यापारियों को हित में संघर्ष कर रहा है, हमारा तो यही उद्देश्य है भी हमारी बात सरकार के पास पहुँचे और जो हमारे एजेंडे हैं उन पर सरकार काम करे, तो आंदोलन की रूपरेखा हमारी ये है, ये तो तैयार रहेगी और संगठन को मजबूत बनाने की भी हमारी उद्देश्य है भाई, हम संगठन को मजबूत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को इसमें जोड़ने की हमारी मंशा है। अगर बात करें श्याम सुंदर केस की, तो वहाँ पर पहुँचे थे जैसे बड़े लीडर पहुँचे थे कांग्रेस के सुरजेवाला जी, उन्होंने ये बोला था कि भाई उनके आने से ही मतलब वो केस जो था वो रिजोल्व हुआ, और उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी जो बदमाश हैं ये जेल से आते हैं तो इनको लाइन हाजिर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्रिमिनल जेल से आते हैं और उसके बाद ही फिर इस तरीके की कार्यवाही करते हैं, तो उनको हर रोज लाइन हाजिर किया जाए तब इस तरीके का इनिशिएटिव जरूरी है। रणदीप सुरजेवाला भी आए थे हमारे बीच में और उनके निवास स्थान पर भी रणदीप सुरजेवाला गए और माननीय उड़ा साहब भी आए हैं जो विपक्ष के नेता हैं, और हमने एक जिन सम्मेलन भी किया था, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी विधायक उनके साथ थे, हमारा उनको ज्ञापन भी हमने हुड्डा साहब को सौंपा है, सभी व्यापारियों की एक ही डिमांड थी भाई हमारा मुद्दा
हमारा विधानसभा में उठना चाहिए और उसमें हमारा मुद्दा विधानसभा में उठा है। और हुड्डा साहब ने गवर्नर के पास हमारा ज्ञापन में हमारी लैंड डाली थी कानून व्यवस्था को लेकर, वो भी हमारी प्रमुखता से आवाज़ उठी है। और माननीय रणदीप जी सुरजेवाला जी ने ये कहा था भाई इनकी हाजिरी लगनी चाहिए थाने में, जैसे इनकी जमानत हो जाती है तो अगर इनकी हाजिरी लग जाए तो पुलिस को पूरी इसमें मदद मिलेगी भाई ये कहाँ है, ये बदमाश कोई क्राइम तो नहीं कर रहा, पूरी जानकारी उसको मिल सकती है। तो ये सुरजेवाला की अच्छी डिमांड थी, तो ये बात भी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है भाई काफ़ी क्राइम तो जेलों के अंदर से ही करते हैं और फिर इनको जमानत पे छूट के आ जाते हैं जब भी ये करते हैं। मैं तो ये बात कहूँगा सरकार ने बदमाश से कोई किसी प्रकार की कोई राहत नहीं, सख्ती और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जब जाके हरियाणा में अमन शांति हो सकती है, नहीं सरकार बिल्कुल फेल हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार जब तक कानून व्यवस्था पे कोई कड़ा कार्रवाई नहीं करेगी, कोई रोड कम बन जाए ज़्यादा बन जाए या किसी का काम बने ना बने, रोजगार बने ना बने, लेकिन सबसे पहले प्रमुखता से ये सरकार ने लेना पड़ेगा। हमारे चैनल के मध्य से आप क्या संदेश? हमारा व्यापारी जैसे यही संदेश है, व्यापारी अपनी एकजुटता रहे, बह ना माने। एक हमारा व्यापारी डर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे नहीं आना चाहता। जब भी कोई बनवास कार्रवाई करते हैं या कोई घटना करते हैं तो व्यापारी ये सोचता है यार कभी हमारी फ़ोटो आ जाए, कभी हमारा सीधा बदमाश से कोई चेहरा न देख ले। मैं व्यापारियों से एक निवेदन करूँगा, संदेश देना चाहता हूँ, हौसला बुलंद रखे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरोगे तो मरोगे। आज एक आधी घटना तो हो सकती है लेकिन बदमाशों की इतनी ताकत नहीं, हजारों हजारों आदमी को गोलियों से भून देंगे। व्यापार मंडल पूरा सक्रिय है, मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, या तो मुख्य धारा में आ जाए नहीं परिणाम गंभीर भुगतने पड़ेंगे। व्यापारी जाग चुका है, अपनी सुरक्षा करना जानता है, अगर सरकार सुरक्षा नहीं करेगी व्यापारी अपनी खुद सुरक्षा करेगा। धन्यवाद। सोनीपत में मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन किया था व्यापारियों का, जिसमें निर्देश दिए थे कि व्यापारियों को गन के लाइसेंस इशू किए जाएंगे, लेकिन सरकार